हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रानोबी एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप सबके लिए एक छोटा सा DIY लेकर आई हूँ। जी हाँ, ये जो हमारे पास बेकार कुल्हड़ पड़े होते हैं, मैं आज उसी के साथ कुछ DIY करूँगी और उसको डेकोरेट करूँगी। अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं इसका क्या कर रही हूँ। जी हाँ, मैं इसमें एक छोटा सा प्लांट लगाऊँगी, जिसके लिए मैंने इसमें एक छोटा सा होल कर लिया है। अब मैं इसको करूँगी कलर, जिसके लिए मैंने यहाँ पर लिया है एक्रेलिक कलर। ये कलर कैमल के हैं, कैमल एक्रेलिक कलर, जिसका रिव्यू मैं पहले कर चुकी हूँ और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर लूँगी। सबसे पहले हमारे पास ये कुल्हड़ काफ़ी गंदा सा है, यानी कि मैंने इस पर पहले कुल्हड़ वाली चाय बनाई थी, जिसकी वजह से ये काले हो गए हैं और कुछ कलर भी बेकार हो गया है। सबसे पहले मैं इसको वाइट कलर लेके और पूरा वाइट कर दूँगी, जिससे कि मैं इस पर जब दूसरा कलर पेंट करूँ तब वो अच्छे से दिखाई दे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तब प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और ये साइड में जो बेल आइकन होता है ना, उसे प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। बाहर से तो मैंने इसे पूरा वाइट पेंट कर लिया है, अब मैं अंदर से वाइट पेंट करूँगी। हम इस छोटे से पोट में मिट्टी फिल करेंगे, इसीलिए आप इसको पूरा वाइट पेंट ना करें, जहाँ तक मिट्टी आए बस उतना ही इसको पेंट करें। उसी तरीके से मैंने इन तीनों कुल्हड़ को पेंट कर लिया है। जब हमारा वाइट कलर अच्छे तरीके से सूख जाए, तब मैं इसमें कर दूँगी येलो कलर। आप अपनी मर्ज़ी का कोई भी फेवरेट कलर ले सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो। मुझे इस तरीके की एक्टिविटी करना बहुत पसंद है और मैं आपके साथ टाइम टाइम पर यह एक्टिविटी शेयर करती हूँ। अगर आपकी कोई भी फेवरेट एक्टिविटी हो तो मुझे कमेंट ज़रूर करें। इस तरीके से मेरा एक हौसला अफजाई होगा, जिससे कि मुझे पता लगेगा कि आप सबको क्या पसंद है। और आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप मेरे चैनल पर किस टाइप की वीडियो देखना पसंद करेंगे। मेरे चैनल पर कुकिंग की, स्टिचिंग की, DIY, कुछ एक्टिविटीज़, गार्डनिंग की, इस टाइप की वीडियो हैं। अगर आप चाहें तो मेरे चैनल पर विज़िट करके उस टाइप की वीडियो भी देख सकते हैं। मैंने यहाँ पर डबल कोट लगाया है, क्योंकि येलो कलर डबल कोट लगने के बाद ही हमें अच्छा सा दिखाई दे रहा है। अब मैंने यहाँ पर लिया है दूसरा कलर और बाकी बची हुई जगह पर भी मैं पेंट कर दूँगी। ये देखिए, अभी से देखने में ये कितना प्यारा लग रहा है। जब हमारे ये दोनों पेंट सूख जाएंगे, तकरीबन 15-20 मिनट के बाद, मैं इस पर कर दूँगी गोल्डन कलर। येलो कलर पे गोल्डन कलर बहुत ही अच्छा लगेगा। ये जो मैंने गोल्डन कलर यूज़ किया है, ये भी कैमल का है। मैं यहाँ पर जितनी भी कलर यूज़ करूँगी, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूँगी, जिसे आप आसानी से परचेस कर सकें। We'll be right back.
गोल्डन कलर तो मैं कर चुकी हूँ, अब मैं यहाँ पर लूँगी सिल्वर कलर। सिल्वर कलर से मैं बहुत हल्की हल्की इसमें शेडिंग कर दूँगी। अब मैंने यहाँ पर लिए एक पेंसिल और जो मैंने नीचे कलर कर रखा है हल्का सा उस पर डिप करके और मैं इस पर डॉट डॉट बनाती चली जाऊँगी। अब मैंने ली है पेंसिल और पेंसिल से बिल्कुल छोटे छोटे डॉट बनाती चली जाऊँगी जिससे कि देखने में बहुत ही खूबसूरत लगेगा। अब मैंने लिया है यहाँ पर गोल्डन कलर और एक छोटा सा डॉट बना दूंगी। ये डॉट बनाने के लिए मैंने ब्रश लिया है और ब्रश की बैक साइड ली है। अब लूंगी गोल्डन कलर और उससे छोटे छोटे डॉट बना दूंगी। गोल्डन कलर लेके एक मोटी सी आउटलाइन मैं यहाँ बना दूंगी। ये देखिए हमारा कुल्हड़, ये लग रहा है कि ये वही कुल्हड़ है। हमारा कितना प्यारा सा छोटा सा एक पॉट बनके है तैयार। सेम मेथड से ही हम दूसरा पॉट भी हम तैयार कर लेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो। यहाँ पर मैंने एक लाइट कलर लिया है, पीच कलर।
हमारे तीनों कुल्लड़ यानी कि हमारे छोटे छोटे फोर्ट बन के हैं तैयार। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो और इस साइड में जो बेल आइकन होता है उसे प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलती हूँ अगली वीडियो में एक नई एक्टिविटी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।